जय माता दी। दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ रहा है एक बार लेकर आईपीएल का एक और मैच। आज दो मैच है और दो में से ये वीडियो है। पहले मैच की सीएसके वर्सेस एसआरएच की, आरसीबी वर्सेस एमआई की वीडियो भी आएगी चैनल पे, जुड़े रहे। वीडियो में मैच की बात करेंगे, पिच की बात करेंगे, टीम न्यूज क्या है उसकी बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे दोनों टीमों का, की प्लेयर्स, रिस्की प्लेयर्स, प्रॉफिट फंडा और एसएल और जीएल की बनाएंगे टीम। तसल्ली से आपको जुड़े रहना है वीडियो में लास्ट तक। अपनी लाइफ के मात्र 20 मिनट आप मुझे दे दीजिए अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो। नहीं कमाना चाहते प्रॉफिट तो आपकी मर्जी, आप वीडियो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, इट्स योर चॉइस, लॉस या प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है, बहुत सारी लूटपाट हो रही है, मेरे नाम के फेक चैनल्स बना रखे हैं लोगों ने। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं कि वो लूटपाट कर रहा है मेरे नाम पे कि प्राइम दे रहा हूं मैं मोहित राघव का। जबकि मोहित राघव ना प्राइम देता है ना कुछ, इन चक्करों में पड़ता है और लोगों को भी मना करता है कि भैया प्राइम राइम मत लो किसी को, क्योंकि किसी के प्राइम में इतना दम है कि वो जीएल जिता दे तो वो आपसे 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए नहीं मांगेगा, वो आपको 1 करोड़, वो खुद 1 करोड़ जीतेगा हर दिन और मौज लेगा, है कि नहीं? बड़ी लॉजिकल सी बात है। अब बात आ जाती है कि ज्ञान की, तो भैया ज्ञान देने के लिए हम बैठे ना फ्री में, क्यों फिर प्राइम पे जाना? तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका क्या है कि एक तो इस वीडियो का जो सबसे ऊपर वाला कमेंट है उसमें लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। दो लिंक दे रखे हैं दो चैनल्स के, आप कर सकते हो किसी भी लिंक से। और वहां से अगर नहीं कर पा रहे तो आपको एक सिंपल फॉर्मेट आजमाना है, क्या कि ये सर्च करना है, जो हमारे चैनल का नाम है क्रिकेटोलॉजी, वही आपको सर्च करना है। ये जब आप सर्च करेंगे आपको क्रिकेटोलॉजी के नाम से अनेकों चैनल दिखेंगे, जिसमें जो हमारा ओरिजिनल चैनल है उस पे जो मेंबर हैं वो अभी एक्चुअल में इतने हैं जो आपको दिख रहा है स्क्रीनशॉट पे। ठीक है, ओरिजिनल चैनल की पहचान ये है कि डिस्क्रिप्शन मैच कर लेना, और उसके साथ साथ जो यूजर नेम है ना, ये जो मैंने एक इस वो बनाया हुआ है रेड कलर के अंदर @mohitcricketologist, इसको जरूर आप वो कर लेना मैच। इसमें अगर कुछ भी फेरबदल है तो समझ जाना कि ये ओरिजिनल चैनल नहीं है, क्योंकि जो क्रिकेटोलॉजी के नाम से चैनल बने हुए हैं उनमें क्या है कि मेरे से भी ज्यादा मेंबर्स उन चैनल्स के हैं, तो लोगों को एकदम लगता है कि बड़ा चैनल है तो ये वाला ओरिजिनल होगा और फंस जाते हैं आप। तो ऐसे किसी चक्कर में मत आइएगा प्लीज, और जुड़िए। पिछले 2 दिन में 2 केस मेरे पास आ चुके हैं, एक बंदे से 700 रुपए और एक से 1500 रुपए की ठगी हुई है मेरे नाम पे, तो प्लीज बचें। बाकी मैं लीगल एक्शन भी उन लोगों के खिलाफ ले रहा हूं, वो कितने दिन में कामयाब होगा, कितने दिन में क्या होगा, लगातार फॉलो अप लूंगा। हालांकि विद इन आईपीएल सेंटर में ला दूंगा उनको, फिर भी आपको बचना है तो बचिए प्लीज। ठीक है, बात करते हैं इस मैच की, सीएसके वर्सेस एसआरएच। दोनों टीमों का हाल खस्ता है और दोनों टीमें पहली जीत ढूंढ रही हैं इस टूर्नामेंट की। सीएसके 3 मैच हार चुका है और एसआरएच 2 मैच हार चुका है। पहली जीत मिलेगी ये तो निश्चित है, जो टीम जीतेगी उसकी इस टूर्नामेंट में पहली जीत होगी। किसकी जीत हो सकती है, क्या दोनों टीमों को करना पड़ेगा, उस पर बात करते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा इक्वेशन समझते हैं, पिच रिपोर्ट, मतलब मैच कहां है। मैच है डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में। ठीक है, डीवाई पाटिल मुंबई में ये मैच है। अभी तक क्या ट्रेंड चल रहा था आईपीएल में कि रन बन रहे थे, वानखेड़े के अलावा डीवाई पाटिल हो, ब्रेबोर्न हो या पुणे हो, तीनों जगह मैच में रन बन रहे थे। अभी जैसे गर्मी बढ़ गई है उसके हिसाब से क्या है कि ड्यू कम पड़ रहा है। वानखेड़े बिल्कुल समुद्र के किनारे है तो उसकी बात अलग है, ब्रेबोर्न और डीवाई पाटिल में लास्ट तक भी इतना ड्यू नहीं आता है कि गेंद ना फेंकी जाए। दूसरी बात, जो हमने दिल्ली वाला मैच देखा अभी पीछे, उसमें क्या था, बॉल बैट पे फंस रही थी, मतलब जो ब्लाइंड हिटर्स हैं उनके लिए उतना आसान नहीं था। जब तक पिच पाटा थी शुरू में उस पे रोलिंग का असर था, तब तक बल्लेबाजी के लिए बढ़िया थी, और उसके बाद कठिन 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 होती चली गई, जिसके चलते जो मीडियम पेसर, स्लो मीडियम पेसर और स्पिनर थे वो गेम में आ गए। तो इस मैच में भी आप ये मान के चलिए, खासकर जैसा बैटिंग लाइनअप दोनों टीमों का है उसको ध्यान में रखते हुए, कि जो बॉल वाला रहेगा वो बॉलर्स का रहेगा। तो इसलिए ये जो मैच है ये आप ये मान के चलिए ऑन एन एवरेज 150 से 165 तक का एवरेज स्कोर यहां पे बनेगा। एक एसआरएस पहले बैटिंग करता है तो ये इससे भी कम रह सकता है, सीएसके यहां तक पहुंच जाएगी। बैटिंग विकेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये पक्की है कि यहां पे 16 प्लस विकेट दोनों पारियों में मिलकर गिरेंगे मेरे ख्याल में, ऐसा मुझे लगता है।
और मीडियम पेसर्स, रॉ पेसर्स नहीं, मीडियम पेसर और स्पिनर्स यहाँ पे ज्यादा कामयाब रह सकते हैं। ये मेरे हिसाब से इस पिच का, इस ग्राउंड का ब्यौरा है जो इस मैच में हो सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं टीम न्यूज की। एसआरएच के लिए जो प्लेयर्स एसआरएच ने चुने थे इस सीजन के लिए, सभी प्लेयर फिट हैं, अवेलेबल हैं, कोई इंजरी कंसर्न नहीं है। बात करूं अगर प्लेइंग 11 में बदलाव की, तो एसआरएच के साथ जो बदलाव एक हो सकते हैं वो एक तो ये हो सकता है कि अभिषेक शर्मा की जगह जो टीम में आ सकते हैं वो आ सकते हैं प्रियम गर्ग। गर्ग ओपन भी कर सकते हैं, अगर ओपन नहीं भी करते हैं तो केन त्रिपाठी ओपन करके गर्ग तीन नंबर खेल सकते हैं, क्योंकि अभिषेक को एज ए बॉलर यूज कर नहीं रहा है एसआरएच, एज ए बैट्समैन केवल खेल रहे हैं। अभी तक दो मैचों में ना तो स्पार्क दिखा है ना फॉर्म दिखी है, तो अभिषेक की जगह प्रियम गर्ग आ सकते हैं, बाकी इनके पास गुंजाइश है नहीं। और सही बात यह कि बेंच स्ट्रेंथ पे भी कोई खास प्लेयर उतरे हैं नहीं जो इनको रिप्लेस कर सके। मार्करम और पूरन में से किसी एक को रिप्लेस करके ग्लेन फिलिप्स आ सकते हैं, लेकिन ऐसा भी होगा नहीं, टू अर्ली टू से। सेपर्ड ने अपनी जगह को जस्टिफाई किया है, कुमार नटराजन मलिक ये प्रॉपर अपना है ही अपनी जगह पे, समझ सुंदर, तो ये बदलाव कहीं भी होंगे नहीं। एक चांस ये हो सकता है कि अभिषेक को बाहर ना करके समझ को बाहर कर दिया जाए और प्रियंकर को ले आया जाए, बाकी कोई बदलाव नहीं होने वाला है इस टीम में, यही टीम खेलेगी एसआरएच ही। बात करें सीएसके के लिए, अब सीएसके की टीम न्यूज क्या है, सीएसके की टीम न्यूज ये है कि जो एडम मिलन थे इंजर्ड हो गए थे, टीम तो पूरी अवेलेबल है, वो साइड स्ट्रेन से उबर गए हैं और फिट फॉर सिलेक्शन है, इट मींस कि ही कैन वॉक इन टू द स्क्वाड, खेल सकते हैं प्लेइंग 11 में आपका एडम मिलन। और इसके अलावा इन तीन में से किसी एक प्लेस पे खेलेंगे कि मोइन की जगह पक्की है, ब्रेवो, प्रेटोरियस और जॉर्डन। ब्रेवो एवरलास्टिंग प्लेयर है, इनके इतने लंबे समय से खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बाहर होंगे। प्रेटोरियस विकेट्स ले रहे लगातार, तो इनको भी बाहर बिठाना थोड़ा मुश्किल ही है, और जॉर्डन वो पिछले मैच में एक मैच खेले बढ़िया करके गए, तो उनको भी बाहर बिठाना मुश्किल है। अब है क्या कि ये तीनों लगभग एक जैसे गेंदबाज हैं, तो क्या है कि बॉलिंग अटैक में वेरिएशन नहीं आ पाता है, तो वेरिएशन के लिए एडम मिलने चूंकि रॉ पेसर है तो उनको लाया जा सकता है। हालांकि जैसा मैंने पिच का मिजाज बताया उसके हिसाब से ये तीनों बॉलर बहुत इफेक्टिव रह सकते हैं, तो हो सकता है कि फिट होने के बावजूद भी एडम मिलन को इस मैच में ना उतारा जाए। एक बदलाव जो हो सकता है वो ये हो सकता है, मुकेश चौधरी की जगह राजवर्धन हेंगरगेकर खेल सकते हैं। राजवर्धन हेंगरगेकर खेल सकते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर है, अटैक में जो बॉलिंग अटैक है सीएसके का उसमें थोड़ी वैरायटी भी ला देंगे और प्लेयर भी अच्छे हैं, अंडर 19 के भी बहुत सक्सेसफुल बॉलर भी थे, तो इसलिए मुकेश चौधरी की जगह राजवर्धन हेंगरगेकर का केस एक बनता है। पिछले मैच में मुकेश काफी महंगे रहे थे, तो बस बाकी कोई बदलाव की गुंजाइश दोनों टीमों में नहीं है। स्ट्रेंथ वीकनेस की दोनों टीमों की बात करें तो एसआरएस की जो बॉलिंग है वो ठीक ठीक है, यहां चार बॉलर्स में कोई दिक्कत नहीं है। सेफर्ट बढ़िया काम कर रहे हैं, वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं, नटराजन बढ़िया काम कर रहे हैं, उमरान मलिक का ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, किसी मैच में बहुत इफेक्टिव और किसी में नहीं, क्योंकि जो पेसर होते हैं, रॉ पेसर होते हैं जिनके पास स्पीड ज्यादा होती है, ये उन प्लेयर्स की खासियत होती है कि वो कभी भी बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहते, लेकिन इफेक्टिव जरूर रहते हैं, अपने दिन पे मैच खत्म और अपने दिन पे मैच खत्म, ये वाला इनका सीन रहता है। ठीक है, पांचवा बॉलर सुंदर पिछले मैच में बढ़िया काम किया था, लेकिन इस मैच में शायद उतना ना कर पाए, क्योंकि है क्या सीन कि पिछले मैच में जो लखनऊ के खिलाफ खेले थे वहां क्विंटन डिकॉक और इवान लुइस दो लेफ्ट हैंडर थे जिनके खिलाफ ऑफ स्पिनर के तौर पे सुंदर कामयाब रहे, यहाँ पे लेफ्ट हैंडर जो है वो दोनों क्या है, राइट हैंडर है ओपनर और मोइन तीन, तो अगर कहीं विकेट गिरता है अर्ली तो फिर मोइन को काउंटर करने के लिए सुंदर को यूज किया जा सकता है, वरना इतना यूज सुंदर का शायद ना हो जितना पिछले मैच में हुआ था। इन दैट केस एक आध ओवर आपको मार्करम या अभिषेक से देखने को मिल सकता है। ठीक है, वीकनेस कहां है इनकी, वीकनेस है यहां, ये दोनों ही नहीं चल रहे हैं। ये तीन ठीक ठीक फॉर्म में है, फिर भी सुंदर ने बढ़िया काम किया जितना मौका मिला है, लेकिन ये जो ओपनिंग है ये अभी तक बिल्कुल विफल रही है, इसी वजह से सीएसके अपने मैच हारी है, एसआरएच हारी है। सीएसके की बात करूं टीम बढ़िया दिखती है पेपर पे, लेकिन संभव है टीम अभी तक ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है कि ओवर द लाइन क्रॉस कर पाए, बाकी टीम खराब नहीं है, टीम बढ़िया है। चलते की प्लेयर्स की तरफ, इस टीम के लिहाज से, इस मैच के लिहाज से कौन से खिलाड़ी बहुत हो सकते हैं बढ़िया साबित, तो देखिए इन तीन में से अगर तीनों खेलते हैं तो ये तीनों ही मेरे हिसाब से इस मैच में साबित होंगे, ब्रेवो, प्रेटोरियस और जॉर्डन। इन तीन में से कोई दो प्लेयर
मिलके, या ये समझिए कि ये तीन प्लेयर मिलके आपको कम से कम भी 7-8 विकेट दे सकते हैं इस मैच में, ऐसी मेरी प्रेडिक्शन है। क्योंकि जैसे जैसे पिच स्लो होगा वैसे वैसे होगा। सेम इसी टाइम के बॉलर रोमारियो सेफर्ड है, तो इनसे भी आप ये उम्मीद कर सकते हैं। ये चार प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इसमें। नटराजन एक और प्लेयर, मतलब कि ये पांच बॉलर जो मैंने आपको बताया, अगर आप इनको कलेक्ट करके इनको लेकर चलोगे तो ये आपके लिए ये समझो कि बहुत बढ़िया रहेगा। बैटिंग की मैं बात करूं तो यहाँ रोमन थप्पा और ऋतुराज गायकवाड़ बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि ओपन में जब तक पिच पाटा रहेगी, रोलर का कोई रोल नहीं आएगा, तब तक ये दोनों बढ़िया काम कर देंगे। फिर यहाँ पे स्लो हो जाएगा और यहाँ फॉर्म भी नहीं है, तो यहाँ दिक्कत रहेगी सीएसके के लिए। इसलिए सीएसके के मिडिल ऑर्डर पे उतना दांव ना लगाएं, टॉप ऑर्डर और बॉलिंग के साथ जाएं। इधर की बात करूं तो इधर आपका राहुल त्रिपाठी एक प्लेयर है जिनको आप कंसिस्टेंटली जिन पर भरोसा कर सकते हो। विकेट कीपिंग में पूरन आपके लिए ऑप्शन एक हो ही जाएंगे। मार्करम सॉलिड प्लेयर है तो इनके साथ भी जा सकते हैं। तो ये कुछ प्लेयर है आपके जो अहम रह सकते हैं इस मैच में, इस पिच के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से, गेम प्ले के हिसाब से। रिस्की प्लेयर्स की बात करूं जिन पे आप दांव लगा सकते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स बढ़िया साबित हो सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि 2 ओवर पावर प्ले के साथ 2 ओवर डेथ में भी डाल रहे हैं, इसलिए ज्यादा अहम है। बाद में पिच स्लो हो जाएगी, बढ़िया मिक्सअप करते हैं, बढ़िया वेरिएशन है भुवी के पास, तो भुवी ग्रैंड लीग के लिए आपके कैप्टन बढ़िया एक साबित हो सकते हैं। हालांकि उतने विकेट अभी उनको नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी जैसा ये पिच है थोड़ा मुफीद साबित हो सकता है इनके लिए। ठीक है, उमरान मलिक एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो सकते हैं। पिच तो इनके हिसाब से सेटल्ड नहीं है, लेकिन जिस तरीके का ये टेम्परेटिव है, जिसमें अब देखिए 150 की बॉल पे आपका रॉबिन थप्पा, मोइन अली, रायडू, ये धोनी, ये जितने प्लेयर है ये सब की एज हो चुकी है, मतलब रिफ्लेक्सेस धीमे पड़ गए। रिफ्लेक्सेस धीमे पड़ने का मतलब ये कि अगर 150 की बॉल आएगी तो उसको शायद उतने बेटर तरीके से हैंडल ना कराएं जितना अपने प्राइम पे करते थे। तो इस यहां से उमरान मलिक को इसलिए भी विकेट मिल सकते हैं, तो ग्रैंड लीग के एक बढ़िया चॉइस उमरान मलिक हो सकते हैं। मोइन अली आपके लिए मोस्ट इफेक्टिव प्लेयर इस मैच में साबित हो सकते हैं, एसएलजीएल दोनों में। कारण यही है कि सुंदर वाला इफेक्ट की इनकी जो राइट आर्म स्पिन है वो यहाँ जो लेफ्ट हैंडर्स हैं इनको परेशान कर सकती है। अभिषेक शर्मा जैसे टॉप ऑर्डर में, तो मोइन अली से आपको पावर प्ले में ओवर देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा निकोलस पूरन के टाइम पे, सुंदर के टाइम पे भी मोइन अली बॉलिंग करते आपको दिख सकते हैं। तो यहाँ चांसेस है कि मोइन अली को एक आध विकेट मिल जाए। और 3 नंबर बैटिंग करेंगे, अगर अर्ली एक विकेट गिरता है यहाँ पे ऋतुराज और रॉबिन में से, तो फिर मोइन एज ए बैट्समैन भी काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। तो आपके लिए ग्रैंड लीग हो या स्मॉल लीग हो, कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन जो इस टीम में है वो मोइन अली है। चलिए बात करते हैं प्रॉफिट फंडा की। प्रॉफिट फंडा कहां से आता है? प्रॉफिट फंडा आता है मैच विनर से। मैच जीतेगा कौन कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके की पिच और टीमों की स्ट्रेंथ वीकनेस है उसके हिसाब से ये मैच का जो मैच विनर है वो सीएसके होगा। तो इसलिए आपको जो मैच विनर पे इन्वेस्टमेंट करना है वो सीएसके पे करना है। कहां करना है और कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेरे टेलीग्राम पर पहुंचना है, वहां पे प्रॉफिट प्लान 2022 करके एक मैसेज दिया हुआ है, पिन किया हुआ है, ठीक है। उस मैसेज पे जाइए, उस मैसेज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, जानिए, समझिए, सीखिए, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करें, समझिए, सीखिए, और सीखने के बाद अप्लाई करें। वहां से आप समझ में आ जाएगा कि कैसे मैच विनर पर इन्वेस्टमेंट करना है और खेलना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग टीम की, रियल 11 एसएल टीम। और रियल 11 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भैया यूजर कंपटीशन है इस ऐप पे कम, क्रेडिट वैल्यू है प्लेयर्स की कम, और एंट्री है कम, कॉन्टेस्ट इतने फ्लेक्सिबल है कि अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हो थोड़ा दिमाग से खेलोगे तो, ठीक है। और दिमाग देने के लिए मैं बैठा ही हूं। लिंक टेलीग्राम पे है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और लिंक कमेंट में भी पिन किया हुआ है, तो अभी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं रियल 11। बेस्ट तरीका यह है कि मैच पूरा खेलिए, ग्रैंड लीग खेलिए, स्मॉल लीग खेलिए, और उसके साथ सेकेंड इनिंग रियल 11 पे जरूर खेलिए। अगर आप लीडर बोर्ड का हिस्सा हैं, बनना चाहते हैं, तो बनते रहिए, क्योंकि आप जीत सकते हैं महिंद्रा थार रियल 11 पर खेलकर, ठीक है। यहाँ पे हम बनाएंगे GL1, यहाँ पे बनाएंगे GL2, ये रहेगी लो रिस्क टीम हमारी, ये रहेगी हाई रिस्क टीम हमारी, ठीक है। अब चलते हैं पहले स्मॉल लीग टीम की तरफ, क्या टीम बनेगी स्मॉल लीग की आपकी देख लेते हैं।
विकेट कीपिंग में आपके पास ऑप्शन क्या है? विकेट कीपिंग में आपके पास ऑप्शन है आपका धोनी है और पूरन है। धोनी नंबर 7-8 पे बैटिंग कर रहे हैं और पूरन नंबर 4 पे थे पिछले मैच में, नंबर 4 या 5, मतलब गेम कवर निकोलस पूरन से आपको ज्यादा मिल रहा है, फॉर्म में निकोलस पूरन के साथ ज्यादा कोऑपरेट कर रही है, तो इसलिए विकेट कीपर जो होंगे आपके वो रहेंगे पूरन। ठीक है, चलिए चलते हैं अब आगे बैटिंग ऑप्शंस में। बैटिंग ऑप्शंस में मैंने बताया कि टॉप ऑर्डर जब तक खेलेगा, जब तक थोड़ा इजी रहेगा बैटिंग करना, इजी रहेगा तो टॉप ऑर्डर को ही हम पिक करते हैं, और दूसरी दोनों टीमों का मिडिल ऑर्डर उतना बढ़िया फॉर्म में भी नहीं है, तो ये भी एक एडवांटेज है। इस एडवांटेज के सहारे हमें क्या है, रॉबिन उथप्पा बढ़िया फॉर्म में, तो रॉबिन उथप्पा हमारी ऑटोमेटिक चॉइस हो गई। ऋतुराज गायकवाड़ के 3 मैच जरूर खराब है लेकिन आई विल नॉट राइट हिम ऑफ, तो ऋतुराज गायकवाड़ को भी मैं जरूर लेकर जाऊंगा। तीसरा बैटिंग ऑप्शन आता है कि तीसरा बैटिंग ऑप्शन किसको लिया जाए, फॉर्म के हिसाब से आपके पास ऑप्शंस क्या है, विलियमसन, रायडू, आपका राहुल त्रिपाठी, कई सारे ऑप्शन है, लेकिन राहुल त्रिपाठी कंसिस्टेंट है, फॉर्म बढ़िया है, 3 नंबर खेलेंगे, अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं है तो पहला विकेट जल्दी गिर सकता है, इसलिए यहां पे आ जाएंगे त्रिपाठी। तीन बैटिंग ऑप्शन हो गए आपके, एक विकेट कीपिंग ऑप्शन हो गया, अब आते हैं ऑलराउंडर्स में। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन इनमें से 3 जो ऑलराउंडर है वो ऑटोमेटिक पिक हो जाते हैं, कौन, मोइन अली और रोमारियो सेफर्ड। और इनके साथ, रोमारियो और मोइन के साथ, तीसरा जो ऑलराउंडर पिक हो जाता है वो ड्वेन प्रिटोरियस। प्रिटोरियस पे मैं भरोसा इसीलिए करके जा रहा हूं क्योंकि पिच उनको सपोर्ट कर सकती है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है ये, भले गेंदबाजी कैसे भी करो इनको विकेट हमेशा मिलते ही है, ठीक है। तो ये चौथा ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और आपका वॉशिंगटन सुंदर के बीच में टाई है कि किसको लें, तो उसके बारे में बात बाद में करेंगे। आते बॉलिंग ऑप्शंस पे, मैंने बताया कि ब्रेवो, जॉर्डन और नटराजन। ये 3 बॉलिंग ऑप्शन भी मुझे मैंडेटरी। अब ये प्लेयर ऐसे हो गए 10 प्लेयर जो आपका ऑटोमेटिक ही चूज हो गया, आपको ज्यादा कोई खास मेहनत करनी नहीं पड़ी इनको चुनने में, ठीक है, आपको मेहनत करनी है 11वें प्लेयर को चुनने में। किसको चुने, केन विलियमसन को चुने थे यहाँ पे। अगर बैटिंग ऑप्शंस की बात करूं तो सीएसके से रॉबिन, ऋतुराज और मोइन, मतलब टॉप 3 से पूरा टॉप 3 हो गया, तो ज्यादा बैकअप की जरूरत है नहीं, फिर प्रिटोरियस है वहां। इसकी बात करूं एसआरएच की, तो यहाँ पे त्रिपाठी, पूरन और सेफर्ड है, 3 ऑप्शन यहाँ से भी है। बॉलिंग ऑप्शंस की मैं बात करूं तो आपको क्या है, यहाँ पे सीएसके से ब्रेवो, जॉर्डन, प्रिटोरियस और मोइन, 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, और आपका नटराजन और सेफर्ड, 2 ऑप्शन सिर्फ मिल रहे हैं एसआरएच से। तो एक ऐसा ऑप्शन जो हमें बॉलिंग भी दे सकता है थोड़ी और बल्लेबाजी भी दे सकता है, उसको हम ट्राई कर सकते हैं, तो वो होंगे कौन, वॉशिंगटन सुंदर। चौथा जो हमारा 11वां प्लेयर है वो वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर को लेने से हमारी टीम बैलेंस हो गई, दोनों तरफ से हमें गेम कवर बढ़िया मिल रहा है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। आप चाहे जडेजा के साथ जा सकते हैं लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप सुंदर के साथ ही जाइए। बात आती है कैप्टन और वाइस कैप्टन की, किसको चुना जाए, कौन से 2 बढ़िया कैप्टन और वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है। तो मैंने जैसा बोला मोइन अली एक बढ़िया कैप्टनसी ऑप्शन है इस मैच के लिए, तो मोइन अली कैप्टन रहेंगे मेरे इस मैच में। वाइस कैप्टनसी के लिए रोमारियो सेफर्ड से बढ़िया आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं, जो आपको बॉल बल्ले दोनों से रन दे सकता है प्लस विकेट भी ले सकता है, और ये विकेट टेकिंग ऑप्शन भी है रोमारियो सेफर्ड में बता दूं, तो इनके साथ ये ऑप्शन और ये आपकी स्मॉल लीग टीम बहुत कामयाब रहने वाली है। 2 मेंबर से लेके 20-25 मेंबर तक आप बेधड़क इस टीम के साथ खेल सकते हो, मैचिंग होना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। चलते हैं ग्रैंड लीग टीम नंबर 2, बदलाव क्या हुए वो देखेंगे। तो देखिए पूरन तो रहेंगे इस टीम में, जो प्लेयर्स को मैं ले रहा हूं उनका सिर्फ इनिशियल लिख के पी और गोला कर दे रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। रोमिन थप्पा भी जरूर रहेंगे आपके इस टीम का हिस्सा, ठीक है। रोबिन थप्पा भी रहेंगे तो इनको भी मैं आर लिख के छोड़ दे रहा हूं। राहुल त्रिपाठी भी रहेंगे तो त्रिपाठी का भी टी। ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करके केन विलियमसन को मैंने लिया है, एक बदलाव बस,
ठीक अभी तक बैटिंग और विकेट कीपिंग से। ऑलराउंडर सेक्शन में मैं जाऊं तो आपका मैंने तीन ऑलराउंडर से छेड़छाड़ नहीं की है क्या, मोइन अली को रखा है, शेफर्ड को रखा है, प्रिटोरियस को रखा है, सुंदर की जगह लेकर आया जडेजा को। ठीक, इसके बाद करते हैं बात बॉलिंग की। बॉलिंग में क्या किया मैंने, नटराजन और ब्रेवो से नहीं छेड़ा मैं, लाया किसको, जॉर्डन की जगह लेकर आया भुवनेश्वर कुमार को, भूवी लिख देता हूं इनको मैं, मतलब जो ये एक्चुअल टीम थी इसमें सिर्फ तीन बदलाव मैंने किए। ऋतुराज की जगह केन, फॉर्म के लिए दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई एक फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। सुंदर की जगह जडेजा, क्योंकि यहां से गेम कवर ठीक ठाक इनकी तरह ही मिलेगा, है ना, और जॉर्डन की तरह भूवी, मतलब लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। तो इस तरीके से ये मैंने बना दी ग्रैंड लीग की टीम। अब इस पर बात आती है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन इस टीम का किसको बनाया जाए, तो ड्वेन प्रिटोरियस जो है वो परफेक्ट कैप्टनसी चॉइस है आपकी। क्यों है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि क्रूशियल ओवर्स डाल रहे हैं एसआरएच सॉरी सीएसके के लिए, विकेट्स भी ले रहे हैं और विकेट टेकिंग ऑप्शन है ये बहुत बढ़िया। पिच अगर पिछले मैच जैसी रही या उसी मैच पे उसी पिच पे मैच हुआ तो ये परफेक्ट चॉइस हो जाएंगे कैप्टनसी के लिए। वाइस कैप्टनसी के लिए राहुल त्रिपाठी, जिस तरीके की फॉर्म में है, जिस तरीके का गेम चलाते हैं ये, दिनेश कार्तिक काइंड ऑफ प्लेयर है जो कम टाइम में ज्यादा इंपैक्ट दे सके, रेस्पेक्टिव ऑफ की पिच कैसा खेल रही है, बॉलर क्या बॉल कर रहा है, क्वालिटी प्लेयर है। तो त्रिपाठी वाइस कैप्टन और प्रिटोरियस कैप्टन, ये हो गया आपका ग्रैंड लीग टीम नंबर वन। चलते हैं ग्रैंड लीग टीम नंबर टू, यहाँ पे क्या बदलाव हुए। यहाँ आए धोनी पहले पूरन की जगह, धोनी को भी जितना मौका मिला है ठीक ठाक मिला है, लेकिन गेम कवर उतना पता नहीं कि कितना है कितना नहीं है, इसलिए थोड़ा रिस्क है। बैटिंग की बात करूं ऑप्शंस की, तो यहाँ पे आपका राहुल त्रिपाठी एज इट इज रहेंगे, उसके साथ रायडू और शिवम दुबे, ठीक चार आपके हो गए ऑलराउंडर ऑप्शन, जिसमें प्रिटोरियस रहेंगे, प्रिटोरियस के साथ में छेड़ा नहीं, जिसमें आपके कौन रहेंगे, रोमारियो सेफर्ड रहेंगे जिनसे मैं छेड़ा नहीं, ठीक है, कौन मार्करम के साथ जडेजा, ठीक है, ये आपके लेकर आया। और बॉलिंग ऑप्शंस की बात करूं, ब्रेवो जॉर्डन दोनों रहेंगे यहां पे, नटराजन की जगह उमरान मलिक, ये ऑप्शंस आपके हो गए क्या इस टीम के, ग्रैंड लीग टीम के। इसमें क्या करा मैंने, पांच प्लेयर वही रखे, छह प्लेयर बदले, इसलिए इस टीम को बोल रहा हूं हाई रिस्क। और कैप्टन वाइस कैप्टन कौन, ड्वेन ब्रेवो कैप्टन, इनके लिए बहुत सूटेबल कंडीशन हो सकती है डीवाई पाटली में, और वाइस कैप्टन जॉर्डन, दोनों लाइक फॉर लाइक प्लेयर है। अगर ब्रेवो चलेंगे तो जॉर्डन भी चलेंगे, लगभग एक ही तरह की गेंदबाजी करते हैं, स्लोअर बॉल, स्लोअर यॉर्कर, डिप होती हुई गेंदबाजी इनकी स्ट्रेंथ है, तो दोनों ही प्लेयर बढ़िया काम कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा हार्शली मैंने ब्रेवो और जॉर्डन को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया। रिवर्स भी कर सकते हैं आप इसको। तो ये होगी आपकी दो ग्रैंड लीग टीम। अब इसके अलावा दोस्तों, ग्रैंड लीग अगर आप जीतना चाहते हैं तो कौन सी वो बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ग्रैंड लीग टीम बनाते हुए, उससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा 100 रुपए से लेकर 10,000 तक आप पर मैच कितना इन्वेस्टमेंट करते हो और उसको किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए कि आपका प्रॉफिट ज्यादा आए, लॉस कम हो, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है जो इस चैनल पर अवेलेबल है, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक वीडियो इस आईपीएल में साइलेंट ग्रैंड लीग प्लेयर्स के लिए है जो बहुत बढ़िया कर सकते हैं, जिनको आप अंडर रेट कर रहे होंगे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करके जाइए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। हमारी आपकी मुलाकात हर दिन होती रहेगी, फिलहाल इजाजत दे दीजिए, टाटा बाय बाय, जय माता दी।